ये जो है हमारे पास एक अल्टीनेटर आया है, ये आप देख सकते हैं, ये कैटरपिलर का अल्टीनेटर है। तो आज मैं आपको इस अल्टीनेटर के जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो आप लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी में स्टडी किया होगा, अल्टीनेटर में स्टार्टर होता है, रोटर होता है। तो ये जो कंपोनेंट है इसको हम स्टेटर बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेशनरी रहता है। मैं आपको दिखाऊंगा असेंबली के टाइम कि ये जो कंपोनेंट है ये स्टेशनरी रहता है, तो इसलिए हम इसको स्टेटर बोलते हैं। और ये वाला आप देख सकते हैं, इट इज़ रोटेटिंग, तो इसको हम बोलते हैं रोटर। तो और बाद में इसका वर्किंग के टाइम जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका फंक्शन मैं बताऊंगा, स्टेटर का फंक्शन क्या है, रोटर का फंक्शन क्या है। फिलहाल आप ये समझो कि स्टेटर जो है ये फिक्स रहता है, रोटर जो है ये रोटेट करता है। ओके, इसके बाद आपने एक ऐसा वाला कंपोनेंट देखा होगा अल्टीनेटर में, इसका काम होता है, इसको हम बोलते हैं रेगुलेटर। ठीक है, फंक्शन मैं बाद में बताऊंगा ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे रेगुलेट करता है, बट इसका फंक्शन मेन रहता है रेगुलेट करना वोल्टेज को, और इसका नाम भी है रेगुलेटर। ये है रेक्टिफायर ब्रिज, इसमें डायोड रहते हैं और इसका नाम है रेक्टिफायर ब्रिज। इसका काम क्या होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, वो मैं आगे बताऊंगा एक एक कंपोनेंट के बारे में। और ये इसका हाउसिंग है, यहाँ पे ये तीनों चारों कंपोनेंट जो है बैठते हैं। ठीक है, तो लास्ट में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, स्टेटर विच इज़ स्टेशनरी, रोटर विच इज़ रोटेटिंग, देन रेगुलेटर फॉर रेगुलेटिंग द वोल्टेज, एंड रेक्टिफायर ब्रिज फॉर कन्वर्टिंग एसी टू डीसी।